कैसा विहंगम दृश्य दिख रहा है सभी बाजार की ओर जाते हुए। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषाओं में सारी बच्चियां दिख रही हैं। मैंने बोला था ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का सन्नाटा होगा, उसके बाद। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज नैनीताल में कदली वृक्ष लाया जा रहा है, माँ नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। फिलहाल अभी मॉल रोड की क्या स्थिति है देखो, आज दिन में ही मॉल रोड को बंद कर दिया गया है। आगे और मतलब तलीताल मलीताल दोनों बैरिकेडिंग लगा रखी है और कदली वृक्ष अभी तलीताल पहुंचा है। तो अभी हम मलीताल हैं, हम पैदल पैदल चल रहे हैं पहले तलीताल, और खूब ज़्यादा झांकियां देखने को मिलेंगी उत्तराखंड से रिलेटेड, पूरी कल्चर वाइज सब देखने को मिलने वाला है। अभी सुनसान जैसा लग रहा है, बस क्षण भर का सुनसान है ये, इसके बाद भाई रौनक ही रौनक है। तो कैसा माहौल है आज का देखते हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बीच मॉल रोड में आराम से बेफिक्र होकर चला जा सकता है क्योंकि कार ही नहीं भाई, गाड़ियाँ क्या है, लोअर मॉल रोड खुली हुई है, अपर मॉल रोड पूरी ही बंद है। तो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए क्या है, कुछ घंटे के लिए तो चौड़ में बीच में घूम सकते हैं, अच्छा लग रहा है। खैर, तो अभी मुझे सूचना मिली है कि कदली वृक्ष जो है वो तलीताल क्रॉस कर चुका है, मलीताल के आ गया है, मतलब मॉल रोड के अंदर है। तो हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं और भाई बहुत मतलब खूब से बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ होप हमें को देखने को मिले, अभी होप कर रहा हूँ। वैसे हैं बहुत सी खूबसूरत सी झांकियाँ होंगी, महिलाएँ होंगी जो उत्तराखंड के परिवेश में या पूरे यहाँ के कॉस्ट्यूम में पहनी हुई यहाँ के ट्रेडिशनल गीत गा रही होंगी। 100% ऐसा ही कुछ इवेंट होगा। इस वक्त मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, बढ़िया खिली धूप निकले, लेकिन कल शाम ऐसी भयानक बारिश पड़ी ना भाई, डर लग गया था बहुत ही ज़्यादा। मतलब 2 घंटे तो बहुत ही डरावनी बारिश पड़ी है कल शाम में, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि अच्छा मौसम है यार, और आने वाले दिन ऐसे ही रहें अच्छे साफ मौसम। तो यार कल रात वाली तो भाई सही में डरा दिया था, कल रात वाली बारिश ने अचानक से हो गई यार, मतलब किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसी बारिश होगी। उसे खैर कोई नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत भयानक बारिश हुई थी कल शाम। शोभा यात्रा दिख गई है भाई, पुलिसकर्मी भी बिल्कुल चाक चौबंद लगे पड़े हैं कि सबों को साइड कर रहे हैं। वैसे हमें भी साइड हो जाना चाहिए, यात्रा में कोई भी व्यवधान पैदा होना नहीं है भाई। ये आ गया है पहला झंडा, ये सफ़ेद, और सबसे आखिर में होगा लाल झंडा, तो एक प्रतीक भी है ये, सब एक दूसरे को जानते हैं, हाय हेलो भी सब कर रहे होंगे, हाँ ऐसा भी चलता रहेगा। तो ये आ गए छोलिया, कल वाली वीडियो में देखे होंगे तो उत्तराखंड के पारंपरिक एक तरीके से योद्धा भी कह सकते हो यार इन्हें। तो छोलिया डांस करते हुए, और बीच में एक तरीके से जो महिला हैं ये भी पुरुष हैं, ये महिला का पात्र निभाते हुए हैं। तो ये एक गाड़ी, ये है रामा मॉन्टेसरी स्कूल, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसमें बना रखा है, कुछ होगा अंदर देखते हैं। तो झांकी क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे इधर दिख गए हैं, ये देखो पीछे और बहुत सी झांकियां हैं, अभी पीछे से आ रहे हैं एक एक करके, बहुत से स्कूल के बच्चे हैं जो अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर झांकी के रूप में अभी दिख रही है। और छोटे बच्चे छोलिया और बिल्कुल मस्त होते हुए, ये देखो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, ये कौन से स्कूल का, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, अच्छा स्कूल के बच्चे, ये कलश यात्रा उसका सब मतलब नृत्य करते हुए चल रहे हैं। एक और आ चुका है नरेंद्र अजय शाह जगाती सरस्वती विद्या मंदिर, ये ड्रम बीट्स में दिख रहे हैं सारे, और क्या ही बढ़िया एकदम ताल सुनो, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 सभी दिखने लगे हैं सारे के सारे। और इधर एक और स्कूल दिखता है, ये देखिए ये नंदा राजजात है शायद ये, हाँ छोटे छोटे बच्चे नंदा राजजात, जोर से बोलो जय माता की। ये आए नैनी पब्लिक स्कूल, तो ये कौन है, ये गणेश जी बने हैं कोई, और इधर शिव जी का भी स्वरूप, इधर बच्चे छोटे छोटे, माँ काली दर्शन, ये है राधा कृष्ण, ये देखो गोपियाँ छोटी छोटी कृष्ण की, जय माता की जोर से बोलो। और एक और सैनिक स्कूल एक और आया है, इसके पीछे अब देखना पड़ेगा सैनिक स्कूल के बच्चे, सॉरी यहाँ तो मुझे ही धक्का लग गया यार। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषाओं में सारी बच्चियाँ दिख रही हैं, ये भी कलश यात्रा, ये राम, ये कौन सा स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, तो यहाँ के बच्चे भी नंदा राजजात यात्रा इसको दिखा रहे हैं। तो इधर ये देखो ये चल रहे हैं, और एक और स्कूल आता है, ये कौन सा है यार, मुझे पढ़ने में बालिका विद्या मंदिर है, चलो ये भी बच्चे आ गए हैं। ये पूरी देखो यहाँ का जो पारंपरिक वेशभूषा है, चाहे वो पिछौड़ा पहना हुआ है, ये जितना बहुत से लोग पोते हैं, ये येलो रंग का क्या है जिसमें डॉट डॉट रेडेड है, ये पिछौड़ा यहाँ का पारंपरिक वेशभूषा है। भजन गाते हुए ड्रम बीट्स बहुत से मतलब सब ही सब आज जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे भी जोर से बोलो जय माता की, जय माता ही करते हुए चल रहे हैं। इधर और आ गए
मैंने बोला था ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का सन्नाटा होगा, उसके बाद भाई तगड़ी रौनक और वही देखने को मिल रही है। सभी हर्ष उल्लास में देखो महिलाएं किस तरीके से डांस करते हुए, सभी के लिए खुशी का पल है यार। साल में एक बार आने वाला मेला और इधर ड्रम बीट्स पर ये है यहाँ का फेमस जगदीश बैंड, तो बिल्कुल सब आगे महिलाएं डांस करते हुए चल रही हैं। इसके बाद और भी भाई लोग सभी हाथा दिलाते हुए दिख रहे हैं हमें, जिसका इंतजार हो रहा था फाइनली वो घड़ी आ गई। तो केले के पेड़ यानी कि कदली वृक्ष आ चुके हैं ये रहे, और एक नंदा और सुनंदा का मतलब प्रतीक माना जाता है, और इस तरीके से दोनों का उधर नंदा और सुनंदा मैया का अभी 2-3 दिन में भव्य आयोजन जो हो रहा है भाई वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाई, मतलब अति वाली भीड़ जो होती है ना सभी मतलब, और देखो आखिर में हमें लाल झंडा भी दिख गया है, ये रहा आखिरी जो दिख रहा है लाल झंडा, हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं। तो अब वापस अब जल्दी जल्दी मैं लोअर मॉडल से ऊपर को चलूँगा। तो सभी हेलो हाई करते हुए इधर पुलिसकर्मी सभी व्यवस्था बनाते हुए, और उधर अभी बंद कर रखा था कि कार आर से भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आखिरी में आ गया हूँ मैं, तो कदली वृक्ष का क्या है नगर भ्रमण हो रहा है आज। तो अभी तलीताल से मलिताल, मलिताल को हम मार्केट में घूमेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे आखिर में। तो फाइनली अभी क्या है हम भी साथ ही साथ चलते हैं और क्या क्या साथ साथ और हैपनिंग्स होती हैं वो भी देखते हैं। सभी भक्ति भाव में इस तरीके से डूबे हुए हैं ना माँ नंदा और सुनंदा देवी, भाई हर कोई इंतज़ार करता है, और आप देख ही सकते हो सभी में कितना ज़्यादा जोश है, और मैया के प्रति सभी मतलब श्रद्धालु इतने आए हुए हैं ना आज। और कदली वृक्ष ये एक और दूसरे दोनों ही कदली वृक्ष देख रहे हैं, और मतलब ऐसा होता है ना इच्छा होती है कि एक बार कदली वृक्ष यार मतलब मैं भी कंधा लगा लूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई एक कदली वृक्ष के पास जाकर कंधा लगाऊं। पीछे बैंड चल रहा है और की जो चल रहा है ना बताऊं मैं, राम जी की सेना चली मेरे राम जी की सेना चली, तो ये की पीछे बैंड, और इधर भाई महिलाओं भाई यहाँ तो मतलब सभी डांस कर रहे हैं, मैं भी बिल्कुल क्राउड में हूं। आज पूरा नैनीताल शहर ही भाई अद्भुत कल्चरली इतना ज़्यादा सुंदर हो रखा है ना, मतलब हर कोई पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे हैं, महिलाएं कितनी बढ़ चढ़कर दिख रही हैं भाई, क्योंकि माँ नंदा देवी के समय पर ये मेले में भाई महिलाएं तो खूब आती हैं बढ़ चढ़कर। एक लोकल त्यौहार है यार और नैनीताल शहर का साल में एक बार आने वाला माँ नंदा देवी महोत्सव, तो ये ऐसा होता है आगाज़ भाई। देखो क्या ही तगड़ी भीड़, हर कितनी दल के लगभग जितने स्कूल हैं ना सभी स्कूल ने इस इवेंट में शिरकत कर रखी है, जितने भी हैं सारे के सारे स्कूल दिख रहे हैं एक के बाद एक के बाद सब सबके मतलब सबने मेंशन भी कर रखा है हमारे स्कूल ने आज ये झांकी बनाई है, किसी स्कूल ने ये झांकी बना रखी है, अलग अलग क्लब्स भी दिख रहे हैं, ये फ्यूचर बिलोंगिंग टू अ CRST इंटर कॉलेज नैनीताल, देखो CRST कॉलेज के ये स्कूल के बच्चे ये इस तरीके से हैं, जय माता दी के नारा लगाते हुए सभी चल रहे हैं। मलिताल रिक्शा स्टैंड पर आ गए हैं भाई, दूर तक वहाँ देखो कितनी तगड़ी भीड़, और ठीक पीछे है कदली वृक्ष, सभी भजन करते हुए भजन कीर्तन करते हुए महिलाएं, ये जय माता दी जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। देखो कितनी प्रचंड भीड़ है, भीड़ को देखकर अद्भुत यार क्या है, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, नंदा सुनंदा मैया की जय, जय हो मैया, जय हो माँ, कृपा करो सब पर मैया। ये आ गया कदली वृक्ष और ये अब बाजार जाएगा, उसके बाद मंदिर। हर हर महादेव, जय जय नंदा सुनंदा मैया की जय। कैसा विहंगम दृश्य दिख रहा है सभी बाजार की ओर जाते हुए, तो इससे ठीक आगे जाके हेरिटेज मार्केट है भाई, अभी तो पहले यहाँ से सीधे जाएंगे ये चीनाबाव मंदिर तक, फिर वहाँ से शायद बाज़ार, ये सीधे यहाँ से बाज़ार जा रहे हैं अभी, मुझे भी कुछ नहीं पता। हाँ अभी तो खैर अभी चीनाबाव मंदिर की तरफ को जा रहे हैं, कल से है मेला शुरू, खैर अब तो खैर महोत्सव शुरू हो चुका है। जो व्यूवर्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि कैसी भीड़ होगी, तो ऐसी भीड़ होगी, ये सारे लोकल्स हैं भाई, इसके अलावा टूरिस्ट भी आने वाले हैं शहर में, तो तगड़ी भीड़ मिलने वाली है भाई, और इसी टाइप की रौनक रहेगी रेगुलर सातों के सातों दिन, अगर आ रहे होगे तो भाई देख लेना। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो,
सो इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा शुम।